तो मित्रों, खबर आसपास के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मधुबनी के 13 नंबर गुमती में। आप देख सकते हैं ये है 13 नंबर गुमती, और यहाँ पर आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक चीज दिखाने वाले हैं, और वो चीज है आपके सामने, आप चित्र में देख रहे होंगे। यदि आप मधुबनी, दरभंगा या मिथिला निवासी है तो आप इसे जरूर जानते होंगे। इसे आमतौर पर हम अपने मधुबनी और दरभंगा में इसे डोका के नाम से जाना जाता है, वैसे इसे घोंघा भी कहा जाता है। हम जो है आज आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ये घोंघा है जो कि पानी में पाया जाता है। आमतौर पर यहाँ के तालाबों या छोटे मोटे गड्ढों में ये डोका पाया जाता है, जो पूरी तरह से कैल्शियम से भरपूर होता है, और इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर अगर आप भी बिहार के आदमी हैं और बाहर अगर आप चले गए हैं तो आप इसे बहुत मिस करे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में ये डोका आपको नहीं मिल रहा होगा। हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये डोका कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो बने रहे, क्योंकि हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरी तरह से कैल्शियम से भरपूर होता है। आमतौर पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये शंख के आकार का खोखला है जिसे हम डोका कहते हैं। इसी में से जो है वो आपका ये निकाला जाता है। ये इसका मेन पार्ट होता है जिसे हम लोग खरीदते हैं। यहाँ पर इसकी कीमत लगभग 200 रुपये किलो है, लगभग 200 रुपये किलो के काफ़ी महंगा पाया जाता है, क्योंकि आजकल इसकी संख्या काफ़ी कम हो रही है और बहुत ही कम लोग अब इस आइटम को बेचते हैं। आमतौर पर ये आइटम अब जो है वो बहुत दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। तो आज हम यहाँ पर आए थे, हमने आपको डोका दिखाया, और साथ साथ इससे इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, और डॉक्टर बहुत जगह पर ऐसी कई बीमारियाँ होती है जिसके लिए इसे खाना डॉक्टर बहुत सही मानते हैं, और इसको खाने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो उसे कैल्शियम की पूर्ति के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, परंतु बहुत दुर्लभ रूप से मिलता है, बहुत कम मिलता है, और आजकल के तालाबों में और गड्ढों में बहुत कम पाया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग इस डोका को बेचते हैं। तो यदि आप भी 13 नंबर गुमती से जब निकलते हैं और रास्ते में अगर आपको ऐसे डोका बेचने वाले मिल जाते हैं तो आप निश्चित रूप से खरीदें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और साथ साथ जिस प्रकार से आजकल हमारा प्रोसेस्ड, आप कह सकते हैं फार्मिंग वाला मुर्गा होता है या फार्मिंग वाले अंडे होते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं, परंतु ये काफ़ी नेचुरल होते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से कीड़े मकोड़ों को नहीं खाते, बल्कि इनका भोजन जो है मिट्टी होता है। मिट्टी के द्वारा जो है ये अपना जीवन पोषण करते हैं, जिससे कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और हम इस तरह के वीडियो लगातार आपको दिखाते रहते हैं। यदि आपने भी डोका को कभी ट्राई नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि ये भोजन जो है, ये डोका जो है मिथिला में बहुत ज़्यादा चर्चित है, और यदि आप बाहर चले गए मिस कर रहे हैं तो यदि आपका भी मधुबनी में आगमन हो तो ज़रूर इसको खरीदें एक बार। और इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।